लंबे इंतजार के बाद आज ओप्पो की रेनो सीरीज के नए स्मार्टफोन ने टेक मार्केट में एंट्री दे दी है। पिछले दिनों ही ओप्पो की ऑफिशियल चीनी वेबसाइट पर अपडेट होने के बाद आज ओप्पो रेनो 3 और रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन ने बाजार में एंट्री ले ली है और इसे चीन में लॉन्च कर दिया जा चुका है। ओप्पो का आज चीन में इवेंट हुआ जिसके बाद इन दोनों ही स्मार्टफोन को सेल के लिए मार्केट में पेश कर दिया गया है। रेनो 3 सीरीज के ये दोनों ही डिवाइस ओप्पो के 5G स्मार्टफोन हैं जो शानदार लुक्स के साथ ही पावरफुल स्पेसिफिकेशन से लैस किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 3 के बारे में, जानेंगे इसके फुल स्पेसिफिकेशन और इसके ऑफिशियल इंडियन प्राइसिंग के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओप्पो रेनो 3 की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। ओप्पो रेनो 3 को कंपनी ने वाटर ड्रॉप नॉच के साथ पेश किया है। कंपनी ने इस फ़ोन को 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 ओएस के साथ कलर ओएस 7 सपोर्ट के साथ आता है। बात करेंगे इसके प्रोसेसर की जो कि इसका हाईलाइटेड फीचर्स है, तो इसमें मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है जो है डायमेंसिटी 1000L। इस प्रोसेसर को अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन के लिए यूज़ किए जाने के लिए ही बनाया गया है। जनरली मीडियाटेक के प्रोसेसर का यूज़ ख़ास तौर पर अफोर्डेबल और बजट रेंज के स्मार्टफोन के लिए किया जाता है। तो इसके प्रोसेसर को और डिटेल्स के बारे में बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर कंपनी का पहला 5G एसोसी चिपसेट प्रोसेसर है जो 7mm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर पर बेस्ड है, जिसमें 4 आर्म कॉर्टेक्स A77 पर दिया गया है जो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसिंग स्पीड देता है। इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इसमें पावर एफिशिएंस 4 आर्म कॉर्टेक्स A55 यूनिट्स 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें माली G77 GPU का यूज़ किया गया है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग यूनिट से लेस है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यह प्रोसेसर लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 स्टैंडर्ड की कनेक्टिविटी स्पीड को सपोर्ट करता है। इसमें यूजर्स 1 Gbps की स्पीड से इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे। ये सब 6 GHz बैंड की 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है जो मल्टी मोड की वजह से 2G से 5G तक के नेटवर्क को सपोर्ट करता है। यह प्रोसेसर 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 80MP का कैमरा सेंसर सपोर्ट करता है। तो ये था इसका प्रोसेसर के बारे में थोड़ा डिटेल्स। फोटोग्राफिक सेगमेंट की अगर बात करें तो ओप्पो ने ओप्पो लवर्स को निराश नहीं किया है। ओप्पो रेनो 3 भी क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन ओप्पो ने रेनो 3 में ज़्यादा कुछ नया चेंजेस नहीं किया है, जैसे कि ओप्पो रेनो में शार्क फिन कैमरा दिया गया था, ओप्पो रेनो 2 सीरीज में पॉपअप कैमरा दिया गया और ओप्पो रेनो 3 में वाटर ड्रॉप नॉच के साथ कैमरा दिया गया है, जो कि कैमरा सेगमेंट में ओप्पो रेनो 3 में अपग्रेड नहीं हुआ है। बहुत सारे यूजर्स को ओप्पो रेनो काफ़ी पसंद आया था और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका शार्क फिन फ्रंट कैमरा। ऐसे में बहुत सारे यूजर्स को ओप्पो रेनो 3 पसंद नहीं आने वाला है। ओप्पो रेनो 3 में पावर बैकअप के लिए 4025mAh की बैटरी दी गई है जो VOOC 4.0 और 30W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो ओप्पो रेनो 3 का बेस वेरिएंट 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट 12GB रैम मेमोरी के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी सपोर्ट करता है। फ़ोन के 8GB रैम वेरिएंट को 3399 yuan तकरीबन 35,500 रुपया और 12GB रैम वेरिएंट को 3699 yuan तकरीबन 37,500 रुपये में लॉन्च किया गया है। फ़ोन के कलर ऑप्शन की बात करें तो सनराइज इम्प्रेशन, मूनलाइट ब्लैक और ब्लू स्टेरी नाइट और मिस्टी वाइट कलर में ख़रीदा जा सकेगा। तो ये था ओप्पो रेनो 3 से रिलेटेड इसके सारे स्पेसिफिकेशन और इसका प्राइसिंग। बाकी आपको इस स्मार्टफोन का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।